सुनने में आ रहा है कि 1 बजे के बाद एफसीआई द्वारा जो है गेहूं नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से किसान थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। इस परेशानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है अखिलेश जी कि लोगों को परेशानी और किसी बात से होना हो, कुछ लोगों को इस बात से है कि एफसीआई यहाँ खरीद क्यों कर रही है जी। और जो 1700 रुपये में, 1650 में, 1700 में गेहूँ बिक रहा है, वो 1975 में क्यों बिक रहा है, किसान के घर में अधिक पैसा क्यों आ रहा है, वो इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार से जो एक अच्छा काम हुआ है उस अच्छे काम को किसी भी प्रकार से खराब करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कल कहा कि क्योंकि एक व्यवस्था है, सरकारी अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो 1 बजे तक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद माल की तुलाई होती है, उसका हिसाब होता है, उसकी लदाने की व्यवस्था भी होती है। एफसीआई को ये केवल ये तो है नहीं झुंझुना है, इसको लेकर कहीं डब्बे में बंद करना है। आखिर गेहूँ, सैकड़ों कुंटल गेहूँ खरीदने के बाद उसको लदान की व्यवस्था भी करनी है, एफसीआई गोदामों में सुरक्षित जाए, इसकी चिंता भी करनी है। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई कि 1 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन सैंपल चेक हो जाता है, पेपर वगैरह ठीक होते हैं, जो फॉर्मेलिटी हैं वो क्लियर हो जाती हैं, तो हम वो गेहूँ खरीद लेंगे। कल भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 1687 कुंटल गेहूँ खरीदा गया है। जो गेहूँ कल नहीं खरीदा पाया तो वो किसानों की सुविधा के लिए उनको कट्टे में भर के बंद रख दिया, कल उसकी भी खरीदी हो जाएगी। मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो गेहूँ को साफ स्थिति में लाएं, जिससे सैंपल रिजेक्ट ना हो। दूसरा, मैंने अधिकारियों से आग्रह किया, माननीय परवेश वर्मा जी को जब मैंने ये बात बताई, उन्हें तुरंत एफसीआई के बड़े अधिकारियों से बात की और 2000 कुंटल के करीब गेहूँ प्रतिदिन वो खरीद पाएंगे। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पर स्टाफ हम और एंगेज करवाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी किसान यहाँ पर 1 बजे से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, उनका माल उसी दिन खरीदा जाए। तो नजरगढ़ में एफसीआई का डिपो खुलवाने का श्रेय आप किसको देंगे? अखिलेश जी, श्रेय का विषय नहीं है, प्रक्रिया है। वैसे तो दिल्ली सरकार को औपचारिक रूप से आग्रह करना चाहिए था और डिपो का खुलने का स्वागत भी करना चाहिए था, सारी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए थी, लेकिन जो अवरोध आए मुझे उसके लिए बड़ा आश्चर्य भी है। श्रेय की बात जाती है तो हमारे माननीय सांसद परवेश वर्मा जी इसके लोकल चेयरमैन हैं। एफसीआई का डिपो जो खुल रहा है, जो सारी व्यवस्था दिल्ली में है, वो उसके लोकल चेयरमैन हैं और उनके प्रयास से उन्होंने कैलाश चौधरी जी से, हमारे माननीय कृषि मंत्री बाल्यान जी से मिलकर हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इस खरीद में जो ये फसल आ रही है इसमें एफसीआई का डिपो खुले। और मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय सांसद जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, कि उन्होंने हम सब लोगों की मांग को सुना रखा। APMC मेंबर के नाते मैंने भी कई बार यहाँ दिल्ली सरकार को पत्र लिखवाया कि आप फॉर्मल निवेदन करें जिससे कि एफसीआई के डिपो दिल्ली में खुल सकें और जो किसानों को सस्ता माल बेचना पड़ता है वो MSP पर बेच सकें। किसानों के साथ यहाँ पे ना बैठने की सुविधा देखी जा रही है, ना पीने के पानी की सुविधा है, उसको लेकर भी पहले भी 1-2 बार जो है ये बात उठाई गई थी, तो उस पर कोई कार्य हो रहा है? ये दिल्ली सरकार की APMC की मंडी है। मैंने सेक्रेटरी को पहले भी कहा है, कल उनको फिर कहूँगा, आज तो छुट्टी है, कि वो कम से कम पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर अवश्य करें। पानी का टैंकर भी APMC के पास है, वो यहाँ खड़ा कर दें, जिससे कि हमारे जो लोग यहाँ पर आते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, उनको पानी की व्यवस्था मिले। यदि नहीं भी होगा तो फिर हम यहाँ पर अपने, मैं नहीं चाहता कि राजनीति इसमें आए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वयं भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सरकारी व्यवस्था हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो जो अथॉरिटी बनाई अप्रूवल देने की, उसके अंदर चेयरमैन को भी शामिल कर दिया। जबकि सबको पता है कि चेयरमैन पार्टी का कार्यकर्ता होता है, नॉमिनेट होता है पूरी दिल्ली में। अक्सर से तो ये होता था अभी तक तो, कि जो सरकारी अधिकारी होते थे, चाहे FCI के, चाहे कोई अप्रूवल ऑफिसर, APMC सेक्रेटरी 1, 2, 3 जब इनको ऑथोराइज कर रखा है तो चेयरमैन की आवश्यकता नहीं थी। राजनीति को इसमें डालने का जो काम है वो दिल्ली सरकार ने किया, और हम इस बात को फिर भी इसलिए सहमत हैं, इसको सह रहे हैं कि किसी भी कारण से दिल्ली के किसानों का अगर लाभ हो रहा है, उनको अप्रूवल मिल रही है, तो छोटी मोटी बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारा उद्देश्य है हर हाल में जो ज़मीन का सीना फाड़ कर अन्न उपजाता है, उस किसान को उसकी मेहनत की पूरी कीमत मिल सके, या MSP का रेट है उसको मिल सके। तो ये तो BJP के वरिष्ठ नेता हरिंदर सिंगल जी, जिनके साथ हमने वो पूरी बातचीत की। किसानों की किसी भी समस्या को लेकर आपके मन में अगर कोई भी विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।